नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 17 से 20 नवंबर तक के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। 11वीं राशि लेते हैं, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि, 17 नवंबर के दिन आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी वॉलेटाइलनेस रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा। दिन के कुछ हिस्सों में आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया बना रहेगा, कुछ हिस्सों में गिरा हुआ भी रहेगा। जब कुछ हिस्सों में दिन में कॉन्फिडेंस बढ़िया बना रहे, या ऐसा करते हैं, शुरुआत से बात करते हैं, अगर सुबह सुबह आप अपने कॉन्फिडेंस में लो फील करते हैं, आपको लगता है कि आपके आत्मविश्वास में कमी है, तो ईश्वर पर ज़्यादा फोकस करें, ईश्वर भक्ति की ओर अपने आप को मोड़ें। जितना ज़्यादा ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और अगर सुबह ही आपके आत्मविश्वास में वृद्धि आप महसूस करते हैं, तो आपको तुरंत अपने कार्यों में लग जाना चाहिए और अपने सभी उन कार्यों को सबसे पहले निपटाना चाहिए जिन्हें आप कठिन मानकर चल रहे थे। वैसे 17 तारीख एक यात्रा के लिए भी अच्छा दिन है। अब ये जो यात्रा है, ये दो प्रकार की हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है और अंदरूनी स्पिरिचुअल भी हो सकती है। अगर आपको कहीं जाना है तो उसके लिए ये दिन ठीक है, और अगर कहीं नहीं जाना है तो आप अपने भीतर की यात्रा कर सकते हैं, यानी कि अपने मन को किस प्रकार से नियंत्रित करना है, किन आदतों में परिवर्तन लाना है, किस प्रकार से अपनी सोच को बदलना है, इन सब के बारे में प्लानिंग करने के लिए 17 तारीख सबसे बढ़िया दिन रहेगा। 18 नवंबर के दिन द्विपक्षीय मामलों में असफलता मिल सकती है, अतः द्विपक्षीय मामलों में सावधानी बरतें। किसी भी व्यक्ति के साथ डील करते समय अपनी बात पर आवश्यकता से अधिक जोर न दें। कोशिश करें सामने वाले को यह लगने दें कि आप उसकी बात से सहमत हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आप उसे यह जताकर कि आप उसकी बात से सहमत हैं अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर सामने वाला आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, तो उससे एक दिन का समय ले लें, क्योंकि अगला दिन जो 19 तारीख है, ये बहुत बढ़िया है और आपके फेवर में रहेगा। 18 तारीख को इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि प्रेम संबंधों में कोई जल्दबाजी ना करें और व्यक्तिगत मामलों में संभाल कर पेश आएं। 19 नवंबर का दिन बहुत अच्छा, सर्वोत्तम और कृपापूर्वक रहेगा। इस दिन ईश्वर की छत्रछाया में आप रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ किसी असाध्य कार्य को करने की योजना बन सकती है या प्रेरणा मिल सकती है। इस दिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हालांकि आपके फेवर में न दिख रहा हो, सबको लगता हो कि ये आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आप उसे स्वीकार कर लें। यानी आपके व्यक्तित्व में जो ये एक बदलाव होगा, ये आपको भी अचंभित कर सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं क्षीण हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनी है। दूसरी बात करते हैं, 19 तारीख को सफलता मिलने के संकेत हैं। 19 तारीख को आप खुशहाल रहेंगे, परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा, मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। एक प्रकार से ये दिन आपके लिए अच्छा है, इंजॉयबल है और सफलतादायक भी है। 20 नवंबर का दिन थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि यह दिन शैतान के प्रभाव में होगा। चूंकि दिन शैतान के प्रभाव में होगा, या ये कहें कि यमदेव के प्रभाव में होगा, अतः इस दिन आपको भले मनुष्य बनकर रहना होगा। आप किसी का बुरा ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी का फायदा उठाने का प्रयास ना करें, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इस दिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी योजनाओं पर आप उतना ज़्यादा फोकस ना करें, जितना इस पर फोकस करें कि जो जैसे चल रहा है उसे चलने दें। बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप की कोशिश ना करें, पहली चीज। और दूसरी, अपने आप को जरूरत से ज़्यादा योग्य ना समझें इस दिन। जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, उन पर फोकस ना करें, और जो चीज़ें आपके फेवर में हैं या जिन कार्यों में आप अभी इन्वॉल्व हैं, उसमें यथावत अपने आप को इन्वॉल्व रखें। यानी किसी भी नई चीज़ के लिए प्रयास अभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 20 तारीख को एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आप जितना ज़्यादा परोपकारी रहेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप किसी को पकड़ कर परोपकार करें। जब ज़रूरत हो तो परोपकार करें, अन्यथा शांत रहें। इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 18 और 20 तारीख बढ़िया नहीं है। 18 और 20 तारीख वैवाहिक जीवन के लिए भी थोड़ा सा दुष्कर हो सकते हैं। 17 और 19 प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन और व्यापार तीनों के लिए बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 17 से 20 नवंबर के लिए। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।